हेलो। लाइव कर दीजिए वो। एक बार चेक कर लीजिए तो आवाज़ जा रहे हैं ना। अच्छा, रब दिखाई दे रहा होगा साफ को लाइव में। देखिए, आपका एविडेंस चेक चल रहा था भाई, जो नए लोगों में बता दिया जाए। आपका जो जहाँ तक क्लास चल चुका है वो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगी, और जिस सेक्शन से आपका चल रहा है उस सेक्शन से आपको पढ़ना है। जो भी सब्जेक्ट चल रहे हैं, टीपीए तो अभी शुरुआती दौर में है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सेक्शन शुरू करना है। लेकिन एविडेंस का 13 तक बताया गया है और 14 हमने शुरू किया है। देखिए, कल हमने क्या क्या मैंने बताया था उसको एक बार 2-3 मिनट दोहरा दिया जाए, और तब इसमें टेक्निकल क्वेश्चन आपका बताया जाए। ये बताया गया था कि फैक्ट या तथ्य दो प्रकार के होते हैं, एक आपका फिजिकल यानी कि भौतिक, और दूसरा मेंटल या इंटरनल भी कहते हैं, यानी कि मानसिक या आंतरिक। भौतिक तथ्यों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, यानी कि इंद्रियों द्वारा क्या हो सकता है, बोधगम। लेकिन जो मानसिक तथ्य होते हैं, इसको ना तो हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, अर्थात इंद्रियों द्वारा बोधगम में नहीं होता, इसका केवल अनुमान यानी कि क्या लगाया जा सकता है, अनुमान। व्यक्ति के हाव भाव, चाल चलन, रहन सहन के आधार पर, खान पान के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। लेकिन मानसिक तथ्य जो होते हैं, या आपका कह सकते हैं मेंटल फैक्ट, महत्वपूर्ण होते हैं। क्रिमिनल में तो और महत्वपूर्ण होते हैं, कल बताया गया, क्योंकि क्रिमिनल के लिए यह आवश्यक है कि केवल कार्य ही व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका आशय उस कार्य को करने का न हो। यानी कि अभी झारखंड में कल भी बताया गया, दो चीज़ें अपराध के लिए आवश्यक हैं, एक एक्टस रिया और दूसरा कौन, मेंस रिया। अब ये जो मानसिक तथ्य हैं, इनको आपका सेक्शन 14 और 15 में रेलेवेंट बनाया गया है, अर्थात सुसंगत बनाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि मानसिक तथ्यों को साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है, और कहाँ प्रावधान है, दो सेक्शन में, 14 और 15। इंटरव्यू में भी पूछे तो आप याद रखिए। सेक्शन 14 की जहाँ तक बात है, 14 का बेयर एक्ट हम तोड़ रहे थे, यानी कि बेयर एक्ट को बता रहे थे, और बेयर एक्ट फिर से एक बार देखिए, तीन चीज़ें रेलेवेंट बनाई गई हैं, याद रखिए। पहला कौन, मन की दशा, दूसरा शरीर की दशा, और तीसरा कौन सा, शारीरिक संवेदना या शारीरिक अनुभूति। अनुभूति यानी कि महसूस होना, महसूस होना। इन्हीं तीनों शब्दों को हमें पढ़ना है, और इस पर आपका जो जो एलेस्टेशन है और बीच बीच में एक दो केस हैं, इसको जानना है। देखिए, आपका मन की दशा पहले हम चल रहे थे, और पहला पॉइंट हम कौन उठाते हैं, मन की दशा, स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि किसी व्यक्ति के मन में क्या छुपा है। ये कहावत भी कही जाती है कि सुर क्या असुर भी, यानी कि देव का दानव भी, मनुष्य का देवता, मनुष्य या देवता भी, ये नहीं जान सकते कि व्यक्ति के मन में क्या छुपा है। फिर भी व्यक्ति का मन महत्वपूर्ण होता है, और उसके मन के आधार पर ही उसके दायित्व को निर्धारित भी किया जाता है। तो मन की दशा, मन की दशा, उसके बाद क्या लिखा, मन की दशा का अस्तित्व, अस्तित्व मतलब मौजूद होना। उसके बाद लिखा क्या गया था, जैसे, जैसे शब्द भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैं कल बता रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे का मतलब ये हुआ
कि मन की दशा के कुछ उदाहरण इस सेक्शन में दिए गए हैं, लेकिन जो मन की दशा के बारे में प्रावधान हम बताएंगे सेक्शन 14 में, पूरी मन की दशाएं नहीं दी गई हैं। कुछ मन की दशाओं का उल्लेख जरूर किया गया है, तो जैसे में जितनी मन की दशाएं हैं, कल भी मैं बताया था, इसको आपको क्रमवाइज याद रखना पड़ेगा। 7 मन की दशाएं हैं जो आपका बेयर एक्ट में है, और क्रम से याद रखिए, क्योंकि वर्तमान समय में जो क्वेश्चन का मॉडल पूछ रहा है कि कौन क्रम सही है, तो क्रम देखिए, सबसे पहले कौन हम बताए थे, आशय, अब याद करिए, दूसरा कौन, ज्ञान, तीसरा, चौथा बताइए तो, उपेक्षा, पांचवा, और सदिच्छा। फिर एक बार देखिए, इन्हीं को हम बता रहे थे। इसके बाद आपका जो ये मन की दशाएं होंगी, इसके साथ कोरिलेट पहले कर लिया जाए। सेक्शन 7, सेक्शन 8 को कोरिलेट करना है, अभी हम आपका बताते हैं। और इसके साथ जो पढ़ना है मन की दशा के बारे में, वह एक्सप्लेनेशन नंबर 1 हम पढ़ाएंगे और एक्सप्लेनेशन नंबर 2, यानी कि धारा 14 का स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2। यानी कि फिर एक बार कवर कर लीजिए मन की दशा में क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद शुरू किया जाए। मन की दशा सेक्शन 14 में, अभी आपका 2 अभी बचेगा, उसको भी बताएंगे, लेकिन पहले हम किसको उठा रहे हैं, मन की दशा। मन की दशा में ये शब्द पढ़ने हैं, मन की दशा की एरिया को सीमित करेगा स्पष्टीकरण 1, उसको हम अच्छे से देखेंगे, फिर उदाहरण देखेंगे, और आपका एक्सप्लेनेशन जो 2 है उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। लेकिन सबसे पहले आइए मन की दशा, जैसे, अब जैसे, अब सेक्शन 7 और 8 को तुरंत कवर कर लेना है, क्योंकि मन की दशा के 7 प्रकार दिए गए हैं और प्रकार हो सकते हैं, अतः ऐसी दशा में पहले और प्रकार भी हम निकालेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन यहाँ बनता है उसको पहले कवर किया जाए कि मन की दशा में सेक्शन 14 में कौन रेलेवेंट या उचित या प्रासंगिक या शुद्ध भाषा में सुसंगत नहीं है। तो बताइए आपका सेक्शन 7 में जो रीजन दिया गया है, रीजन मतलब क्या, हेतु, हेतु मतलब कारण, तो 4 इनमें से 3 ऑप्शन रहेगा और 1 क्या रहेगा, हेतु। तो क्या मार्कर आपको आना है, मन की दशा में कौन सुसंगत नहीं है, हेतु। सेक्शन 8 में एक हेतु या मोटिव या लक्ष्य दिया गया है, या इसको मोटिव कहते हैं, ध्येय, जैसे आप लोगों का ध्येय है कि पीसीएजे और एपीओ क्या किया जाए, निकाला जाए, तो उसी प्रकार दूरवर्ती कारण यानी कि ध्येय, अब आप ही पर एक उदाहरण भेद बताया जाए। देखिए आपका कारण और ध्येय, आखिर लक्ष्य क्यों है, यानी कि दूरवर्ती कारण क्या है जिसके कारण आप तैयारी कर रहे हैं और गरीब बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो गरीब बच्चे और अमीर बच्चे, ध्येय उनका ये है कि यदि हम सिलेक्शन पा जाएंगे तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, वह बदल जाएगी, अच्छी हो जाएगी, और ये बातें बार बार लड़कों और लड़कियों को प्रोत्साहित करती हैं कि आप पढ़िए। तो ध्येय ये है, ध्येय मतलब कि आपका हेतु, हेतु का मतलब ही हुआ कि जो बात बार बार उत्प्रेरित करती हो, जैसे कि आपका अफगानिस्तान का भी उदाहरण देख सकते हैं, कौन सी बात तालिबान को बार बार उत्प्रेरित कर रही थी और मौका मिलते ही चौका मार दिया, तो वह ये बात थी कि अमेरिका आकर हमें हराया है,
और बार बार 20 सालों से ये बात उसके मन में खटक रही है कि एक दिन हम क्या लेंगे बदला, और आराम से ले लिया। कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि जो कैप्टन था देश का, वह पहले ही देश छोड़कर क्या हुआ, भाग गया। भाई कैप्टन पहले आगे सीने सीने पर गोली खाता है। अब भारत में जोड़िए, जहाँ तक भारत की बात है, भारत में आप देख सकते हैं, कारगिल युद्ध ही देख सकते हैं, कारगिल युद्ध में तमाम सैनिक भागे नहीं, चाहे वो मेजर हो या कर्नल हो, 10 गोली खाए लेकिन 10 आतंकवादियों को मारे। यही काम अगर 3 लाख सैनिक अफगान के करते तो क्या 50,000 लोग भारी पड़ जाते? लेकिन पता ना, आपका देश प्रेम की भावना ही जब नहीं रहेगी तो हथियार छोड़कर क्या करेंगे? यानी कि पूरा विमान और हथियार नहीं लड़ा देगा, बल्कि आपका हौसला भी होना चाहिए। तो आप पर भी ये उदाहरण है कि आप कापी किताब और केवल सुख सुविधाएं आपको नहीं पढ़ा देगी, मेहनत तो आपको करना ही होगा। याद रखिए, अगर यही मेहनत अफगानिस्तान के सैनिक किए रहते तो क्या आज हाहाकार मचती? और तमाम विद्वान भी कहे, वो भी बताना जरूरी है, तमाम विद्वान जुरिस्प्रूडेंस में कहे हैं कि ये जो मनुष्य हैं ये सबसे बुद्धिमान प्राणियों में एक हैं, लेकिन जब यह बिनाला के और बिना कंट्रोल के हो जाता है तो सबसे भयंकर हो जाता है। यानी कि आपका जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ये सबसे अच्छा उदाहरण अफगानिस्तान में है। आप देख सकते हैं कितना अत्याचार लोगों पर हो रहा है, लोग विमान से गिर जा रहे हैं, पहिया पकड़ रहे हैं जान बचाने के लिए, गोली खा रहे हैं, बाहर निकलिए तब गोली, घर में रहिए तो महिलाओं और बच्चों को खींच लिया जा रहा है, जबरदस्ती विवाह कराया जा रहा है, नहीं करने पर तमाम कोड़े मारे जा रहे हैं। कई वीडियो भी हैं कि कोड़े भी मारे जा रहे हैं। ये शुद्ध रूप से ह्यूमन राइट का क्या है, वायलेशन। और विश्व भले किसी का शासन हो उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन लोगों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, और जो अफरा तफरी का माहौल है इसे शांत होना चाहिए, लेकिन शांत होता दिख नहीं रहा है। क्योंकि जब आप बंदूक के बल पर सत्ता हासिल करते हैं तो 2-4 साल बाद कोई और ग्रुप उत्पन्न होगा जो बंदूक के बल पर फिर सत्ता क्या करेगा, हथियार लेगा। तो आगे बढ़ा जाए, आपका हेतु मैंने कौन हेतु बताया गया था भाई, मोटिव कहा जाता है। एक और उदाहरण हेतु का बता दें, देखिए आपका 2015 वाले जे में भी निकला था, ये पेपर में भी निकला था, आपका ये निकला था कि एक लड़का और लड़की थे और आपस में विवाह या मैरिज करने का वादा किए थे, लड़की सेलेक्ट हो गई तो विवाह नहीं की, और लड़का से विवाह नहीं की तो लड़का के मन में बार बार ये बात खटक रही थी कि हम भी मेहनत करेंगे और जे बनेंगे, और अगली बार 2018 में वो जे बन भी गया। तो ऐसी दशा में कौन बात थी जो बार बार उसे उत्प्रेरित कर रही थी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मोटिव। यानी कि केवल कानूनी उदाहरण नहीं भाई, नए लोग भी हैं, तमाम लोग सामाजिक उदाहरणों से भी रूबरू होते रहिए। यानी कि हेतु और हेतु कन्फर्म रखिए, सेक्शन 14 में रेलेवेंट नहीं है, और ये क्वेश्चन 90% जो लोग हैं गलत करके आते हैं। आइए देखा जाए, अगला पहले तोड़ लिया जाए। चूंकि केवल 7 मन की दशा दी गई है, और अगला शब्द पहले ही लिख दिया गया है क्या, जैसे, यानी कि और मन की दशा को दर्शाने वाले शब्द हो सकते हैं, तो एक दो अपना भी कल मैं निकाला था, फिर निकाल रहा हूँ, तो क्या हो गया, कपट, इसके बाद क्या हो गया, बेईमानी यानी कि डिसऑनेस्टली। अब देखिए दूसरा पॉइंट, देखिए जो दूसरा पॉइंट आपको पढ़ना है, इन शब्दों का दो दो लाइन अर्थ जानना है, और अर्थ ही नहीं जानना है बल्कि कानून में ये शब्द कहाँ कहाँ प्रयोग किए गए हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा देखना है। देखिए
कल मैं आशय पूरी तरह बता चुका था, फिर इंटेंशन या नॉलेज भी बताया और इसमें डिफरेंस भी एक लाइन बताया। निश्चितता ज़्यादा किस में रहती है? कार्य की, आशय में, और कम किस में रहती है? ज्ञान में। हल्का सा ही अंतर है। इसके बाद हम सद्भाव बता रहे थे, गुड फेथ यानी कि बोनाफाइड, ये जो शब्द हैं एविडेंस में तो परिभाषित नहीं है, लेकिन आईपीसी में ये परिभाषित हैं सेक्शन 52 में। आइए, धारा 52 आईपीसी की कहती है कि निगेटिव परिभाषा दी गई है, पॉजिटिव नहीं, कैसी निगेटिव, कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को सद्भावना पूर्वक नहीं करता, यह तब कहा जाएगा जब वह उचित सतर्कता और सावधानी या ध्यान देकर वह कार्य नहीं करता। इसको पॉजिटिव हम बना रहे हैं, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि गुड फेथ में कार्य तब कहा जाएगा जब व्यक्ति ने उचित सतर्कता और सावधानी बरती हो और जितना ध्यान उस कार्य को करने में देना चाहिए था उतना ध्यान दिया है। और एक दो मैं उदाहरण भी बताया था, डॉक्टर का भी उदाहरण बताया था, वो भी याद रखिए। उसके बाद संसूचना, और आप 76 से लेकर आईपीसी और 95 पढ़ेंगे तो ज़्यादातर सेक्शनों में गुड फेथ या सद्भावना शब्द ऐड होगा, यानी कि ये देखा जाएगा कि क्या व्यक्ति ने सम्यक सतर्कता और सावधानी बरती कि नहीं। एक और उदाहरण हम बताते हैं, ए कुल्हाड़ी यानी कि एक्स से, एक्स मतलब कि इलाहाबादी भाषा में, प्रयागराज भाषा में आपका कहा जाता है टंगारी, टंगरी न कह दीजिएगा, टंगारी कहा जाता है। ए एक्स से, कुल्हाड़ी से यानी कि प्रयागराज की भाषा में टंगारी से, टंगारी से लकड़ी काट रहा था, टंगारी का फल यानी कि जो लोहा लगा रहता है उछल गया और बगल में खड़ा व्यक्ति को लग गया और बगल में खड़ा व्यक्ति क्या हुआ, मारा गया। तो अगर कुल्हाड़ी चलाने वाले ने गुड फेथ में कार्य किया तो बचाव मिलेगा, और गुड फेथ में कार्य नहीं किया तो बचाव, इसका मतलब ये हुआ कि जब वह लकड़ी पर कुल्हाड़ी चला रहा था तो क्या पूरी सतर्कता और सावधानी बरता, दूसरी बात क्या पूरा ध्यान देकर लकड़ी पर कुल्हाड़ी चला रहा था। तो आजकल ध्यान अलग होता है, मोबाइल ध्यान भटका देता है, मोबाइल पर बात कर रहे हैं और लकड़ी पर क्या चला रहे हैं, कुल्हाड़ी, कहीं नीचे ऊँचे गिर गई तो उछल ही जाएगी, तो आगे चला जाए, ये गुड फेथ होता है। अब आइए गुड फेथ में आपका एक और उदाहरण अच्छा बनता है, वह जाकर बनता है सेक्शन 114 से, यानी कि एविडेंस की धारा 114 का उदाहरण नंबर जो ए है वह काफ़ी अच्छा बनता है गुड फेथ। अच्छे से देखिए इसको, ए एक व्यक्ति है, चोरी के कुछ समय पश्चात उसके पास चोरी का माल बरामद होता है, तो इस आधार पर न्यायालय एक अनुमान लगा सकता है क्या, या तो यह चोर है या चोरी का माल जानते हुए खरीदा है। लेकिन अगर वह दिखा दे कि हमने गुड फेथ में कार्य किया, अर्थात हजूर सामान की कीमत 1000 थी, तोल मोल करके 950 में मैं लिया, यानी कि बार्गेनिंग करके हमने कितने में पाया, 950 में, अगर मैं जानता रहता कि ये चोरी का माल है तो हम भी 500 रुपया में लेकर क्या करते, निपटा देते, अतः मैं नहीं जानता था कि ये चोरी का माल है, अतः मुझे सजा न दी जाए, बच जाएगा अगर ये साबित कर दे तब। अगला शब्द देखा जाए उपेक्षा। उपेक्षा जो है वह भी एक स्टेट ऑफ माइंड है, यानी कि मन की दशा है। अब जब भी आप उपेक्षा को पढ़िए, आप देखिए कहाँ कहाँ से नेग्लिजेंस को आप जोड़ेंगे, वहाँ जरूर आप उपेक्षा को जोड़िए।
उपेक्षा को एक हम टाट में जोड़ेंगे और दूसरा उपेक्षा को आईपीसी का सेक्शन 304 ए से जोड़ेंगे। दो जगह से हम उदाहरण बता रहे हैं। नेग्लिजेंस का मतलब क्या हुआ? नेग्लिजेंस का मतलब ही हुआ कि आपने उपेक्षा बरती, अर्थात किसी कार्य को करने में जितनी सावधानी आपको बरतनी चाहिए थी आपने उतनी सावधानी नहीं बरती। इसका उदाहरण आपका अफगानिस्तान से भी करंट दिया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। तो पहले राजनीतिक एक लाइन, तब कानूनी आया जाए। अफगानिस्तान में जो राजदूत भारत के और भारत के जो नागरिक फंसे थे, आप लोग भी जानते हैं कि उनको एयरलिफ्ट कल किया गया। और आपका देखिए कितना कठिन था एयरलिफ्ट करने, अगर हल्का सा चूक हो जाती तो जो बम गोली और राकेट लॉन्चर लेकर बैठे हैं वो तुरंत भारतीयों पर क्या करते, चला देते। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दूतावास से और एयरपोर्ट तक आना इतना आसान काम नहीं था। ऊपर से एयरपोर्ट पर भीड़ है और भीड़ आप देख रहे हैं कि विमान के पहिया पकड़कर मने टंगा मने आपका लटक जा रही है, तो ये आसान काम नहीं था। तो अगर हल्का सा चूक होती तो कई लोग मारे जाते। तो आने की पूरी सतर्कता और सावधानी बरतने की क्या थी आवश्यकता, और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बरती और 10 चेक पोस्ट पार करते हुए आपका एयरपोर्ट पर पहुंचे भी मने लोग और सकुशल भारत आए। यानी कि हल्का सा भी अगर क्या बरती जाती उपेक्षा तो कई लोग काल के गाल में समा जाते, और विरोधी केवल मोदी मोदी करते कि मोदी ने 150 लोगों को क्या किया, मरवा दिया। अब कैसे आतंकवादी भले मारे हों लेकिन बदनाम कौन होता। तो यहाँ भी कुछ लोग हैं प्री और नहीं निकलेगा कंपटीशन तो कहेंगे कि सर ने बर्बाद कर दिया, सर ने ही नहीं निकलने दिया। अरे भाई इतना पढ़ाया जा रहा है, जाकर साल्व देखिए, बाहर क्वेश्चन जाए तब सर को दो दीजिए। आप पढ़ेंगे नहीं तो क्या सर जना घुट्टी लिए कहा कि आपका पिला दिया जाए। कौन सी घुट्टी कही जाती है भाई, यानी कि कोई जादू की छड़ी थोड़े हैं कि घुमा देंगे सर तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। पढ़ाई तो सकते हैं, पढ़ना तो आप ही को है। आगे देखिए भाई, अब उपेक्षा को दो एंगल से पढ़िएगा। पहले आईपीसी हम देखते हैं और तब टाट में। एक क्वेश्चन निश्चित बिहार में यहाँ से बनेगा। आईपीसी की धारा 304A में आपका नेग्लिजेंस या उपेक्षा के कारण अगर किसी की मृत्यु होती है तो वह दंडनीय है। ऐसी दशा में अर्थात व्यक्ति का मृत्यु करने का आशय भी नहीं था, ज्ञान भी नहीं था, लेकिन व्यक्ति ने उपेक्षा बरती और दूसरा व्यक्ति क्या हो गया, मर गया। तो एक आईपीसी में क्रम बना लेना है। यदि आशय और ज्ञान थोड़ा अप है तो ये मर्डर माना जाएगा। किस धारा में दंड पाएगा व्यक्ति, 302। आशय या ज्ञान थोड़ा कम है तो ये 304 में जाएगा और हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानव बध माना जाए। न तो आशय है व्यक्ति का मारने का, न ही ज्ञान है, लेकिन व्यक्ति ने उपेक्षा बरती और दूसरा व्यक्ति मर गया, जैसे एक्सीडेंटल मामले ज़्यादा होते हैं, तो ये मामला किस में जाएगा, 304A में। बहुत कम दंड है, 2 ही साल। और अगर न तो आशय था, न ही ज्ञान था, न ही व्यक्ति ने उपेक्षा बरते, फिर भी दूसरा व्यक्ति क्या हो गया, मर गया, तो ये सेक्शन 80 में जाएगा, एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना, और अभियुक्त किसका बचाव पूरी तरह ले लेगा, दुर्घटना का। तो आपका उपेक्षा बताया गया आपराधिक मामलों में। अब सिविल मामलों में आइए, और निश्चित तौर पर बिहार में एक क्वेश्चन बनता है,
जो नेग्लिजेंस या उपेक्षा है इसको एक अलग टाट या अपकृत्य माना गया, और वहीं केस पूछा जाता है डोनोग वर्सेज स्टीवेंसन। डोनोग वर्सेज स्टीवेंसन के केस में जस्टिस लॉर्ड एटकिन ने उपेक्षा को एक अलग अपकृत्य माना। तो जज का नाम बिहार पूछा है, फिर आपका डोनोग बनाम स्टीवेंसन का केस किससे संबंधित है? उपेक्षा से। कौन जज थे? एटकिन, रटिए। और बिहार फिर पूछा है कि नेबर की परिभाषा या पड़ोसी की परिभाषा किस जज ने दिया है? एटकिन ने ही दिया। किस केस में? डोनोग वर्सेज स्टीवेंसन। तो याद रखिएगा, उपेक्षा का मतलब कि सावधानी न बरतना, यही इसका मतलब हुआ। ये अपराध भी हैं और क्या है, अपकृत भी। और ये सेक्शन 40 एविडेंस में मन की दशा है। अगला देखिए, उतावलापन। उतावलापन का मतलब ये हुआ उग्रता से कार्य करना हड़बड़ाहट में, यानी कि आपका उतावलापन का मतलब ये हुआ कि हड़बड़ाहट में कार्य करना, उग्रता से कार्य करना, इसको हड़बड़ाहट कहते हैं। और उतावलापन भी आपका आईपीसी में सेक्शन 304 ए में क्या बनाया गया है? अपराध। दोनों हैं भाई, याद रखिएगा। यदि किसी व्यक्ति की उपेक्षा के कारण या उतावलेपन के कारण कोई दूसरा व्यक्ति मर जाता है तो ये मामला आईपीसी के किस सेक्शन से गवर्न होगा? 304 ए। अगला देखिए आपका वैमनस्य। वैमनस्य आप लोग समझ रहे होंगे बुरी भावना, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ए बी से वैमनस्य या कटुता या बुरी भावना पहले से ही रखता था। तो बुरी भावना रखता था कि नहीं, ये कौन सी दशा है? मन की। देखा नहीं जा सकता, ए के आचरण के आधार पर क्या निकाला जा सकता है? अनुमान। इसके बाद सदिच्छा। सदिच्छा भी भाई काफ़ी अच्छा है। सदिच्छा मतलब बुरी भावना के उल्टा, तो कौन सी भावना रखता था? अच्छी। तो सदिच्छा मतलब अच्छे विचार रखना, अच्छी भावना रखना, मन में कपट न रखना, तो ये हम सदिच्छा कहेंगे। ये भी मन की दशा है और किस सेक्शन में सुसंगत है? 14 में। चूँकि 7 शब्द दिए गए हैं और सब जैसे लिखा है, तो जैसे में एक दो पॉइंट और अपना बना लीजिएगा। और दो पॉइंट हमने कौन कौन निकाला था? एक फ्रॉड और दूसरा कौन? बेईमानी। आइए कपट देखा जाए भाई। कपट और बेईमानी अच्छे से इसको तैयार रखे, पूछा जाता है यहाँ भी। देखिए कपट क्या है? तो कपट एक ऐसा संव्यवहार है जो हमेशा मिलेगा, अपकृत्य में भी मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट में भी मिलेगा। और आपका जो कपट होगा वह आपका कह सकते हैं कि साक्ष्य अधिनियम नहीं, आईपीसी में भी मिलेगा, आईपीसी में भी मिलेगा। फिर हम कल बताए थे साम्य या इक्विटी में भी कपट मिलेगा। तमाम जगहों पर फ्रॉड का प्रावधान है। तो फिर एक बार याद रखिए, फ्रॉड होता क्या है? कपट का मतलब ये हुआ, चीटिंग का, फ्रॉड का मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति धोखा देने के इरादे से कोई कार्य करता है तो उस कार्य को हम फ्रॉड कहते हैं। यानी कि यही आपका इस बार जे में पूछा गया था। इस बार भाई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 17 और 18 को कोरिलेट करके बना था। कई लोग गलत करके आए थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप प्रयास ये करिए कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिगे ना। यदि धोखा देने का इरादा व्यक्ति का था और दूसरा व्यक्ति धोखा खा गया तो ये शुद्ध रूप से हम क्या कहेंगे? फ्रॉड। और अगर व्यक्ति का इरादा धोखा देने का नहीं था,
अब फिर भी दूसरा व्यक्ति क्या खा गया, धोखा, तो इसे फ्रॉड न कह के सेक्शन 18 कॉन्ट्रैक्ट में मिस रिप्रेजेंटेशन, मिथ्या व्यपदेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिथ्या व्यपदेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है, तो इंटेंशन बताइएगा। धोखा देने का इरादा था फ्रॉड, इरादा नहीं था धोखा हो गया, तब क्या? मिथ्या व्यपदेशन। भाई गलत ना हो, ये हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, वो भी बता दें। आपका ये केस द्वारा बताया गया और कॉन्ट्रैक्ट में जो केस आया, डेरी वर्सेज पिक का केस आया। कौन सा केस? डेरी वर्सेज पिक। एलएलएम में आपका जज का नाम पूछा है, जस्टिस हरसैल। जस्टिस कौन थे? हरसैल। और इसी केस में जो हमने पॉइंट बताया, यही आपका डील किया गया। आगे कपट को आगे बढ़ाया जाए। कपट की परिभाषा आपका आईपीसी के सेक्शन 25 में दी गई है। किस सेक्शन में? आईपीसी के 25। कपटपूर्ण। कपटपूर्ण का मतलब हुआ कि प्रवंचना या धोखा देने के इरादे से किया गया कार्य। कपट अपकृत में आप कपट के लिए मुआवजा वसूल सकते हैं। आईपीसी में कपट के लिए 415 से 420 मुख्य रूप से धाराएं बनी हैं। चीटिंग या छल के लिए दंड दिलवा सकते हैं। और कपट अगर हैं तो कॉन्ट्रैक्ट को शून्य घोषित करा सकते हैं, यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट में भी आएगा। यानी कि कपट आपका अपराध भी है, अपकृत भी है, संविदा में भी है, हर एक जगह मिलता है। और धोखा कहा जाता है। आगे देखा जाए, दूसरा शब्द हम बता रहे हैं 14 में ही आएगा, याद रखिए, क्योंकि जैसे में हम जोड़ रहे हैं। दूसरा डिसऑनेस्टली, यहाँ से भी खूब क्वेश्चन बनते हैं। बेईमानी, भाई गलत ना हो बेईमानी, क्योंकि आपका बेईमानी जो शब्द है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, बेईमानी शब्द को आईपीसी की धारा 24 में स्पष्ट किया गया है। बेईमानी का मतलब हुआ रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस, और नहीं। ये आपका बीच में क्या हम लगा रहे हैं? सदोष लाभ या सदोष हानि। सदोष का मतलब गलत तरीके से, अर्थात यदि कोई व्यक्ति गलत तरीका अपनाकर बेनिफिट या लाभ पाया है, तब भी हम बेईमानी कहेंगे कि बेईमानी से पाया है लाभ। और अगर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया है गलत तरीके से, तो उसको हम सदोष हानि कहते हैं, या गलत तरीके से पहुंचाया गया नुकसान। नुकसान नहीं भाई, क्योंकि जौनपुर वाले आपका नुकसान कहते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो भाई आपका, लेकिन मैं बता दूं शुद्ध शब्द क्या है, नुकसान। अरे नुकसान है भाई, नुकसान देखिए सही शब्द याद रखे, नुकसान है सही शब्द, यानी कि हानि। जानते हैं ना, जानते हो तो भाई बता दीजिए। आइए इस पर एक नुकसान पर एक केस बनता है, एक समस्या बनाकर आती है। दो हम उदाहरण बताएंगे और प्रयास करेंगे कि दोनों उदाहरण ऐसा बताया जाए जो प्री और मेंस में बना हो। एक हवाई जहाज का बताया जाएगा और दूसरा उदाहरण चोरी और आपराधिक दुर्विनियोग का। पहला हवाई जहाज का बताइए। हवाई जहाज का जो पूछा गया है एपीओ मेंस में, सेम दृष्टांत ही आ गया है। ये पूछा गया है कि ये एक व्यक्ति है, वह भारत सरकार की जहाज को उड़ाकर पाकिस्तान ले जाता है और पाकिस्तानी सरकार जहाज को जब्त कर लेती है और ए को भारत को लौटा देती है, क्या ए ने कौन सा अपराध किया? ये आपका पूछा जाता है। ये जो समस्या है ये
के एन मेहरा वर्सेज स्टेट के वाद पर आधारित है। के एन मेहरा वर्सेज राज्य, इसमें समझिए सेम समस्या हुई थी। जो के एन मेहरा था वह ये कह रहा था कि हजूर मैंने जहाज को उड़ा कर ले गया पाकिस्तान, पाकिस्तानी सरकार ने उस जहाज को जब्त कर लिया, लेकिन मुझे क्या मिला? एक पाई का लाभ मुझे नहीं हुआ। भाई मुझे तो एक पाई नहीं मिली जो चुराया मैं जहाज, और सरकार कह रही थी कि हमें तो नुकसान हुआ जहाज का, भले इनको एक पाई का नुकसान न हुआ हो। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि बीच में क्या शब्द लगा है बेईमानी में, या तो केवल सदोष लाभ हो तब भी बेईमानी, या केवल एक पक्षकार को क्या हो नुकसान, यानी कि सरकार को जहाज का नुकसान हुआ, इसका मतलब कि आपके मन में क्या था? बेईमानी। और आप किसके लिए दोषी होंगे? चोरी के लिए। अब तुरंत क्वेश्चन का मॉडल चेंज करिए, चोरी और आपराधिक दुर्विनियोग में, इस बार यूपीजे में आया था ये। यदि संपत्ति हटाते समय बेईमानी का इरादा हो तो वह अपराध चोरी होगा, और पश्चातवर्ती इरादा बेईमानी का हो बाद में हो तो वह कौन सा अपराध होगा? ये क्वेश्चन आया था जे में, अच्छे से याद रखना है। ये दोनों अपराध की एक विशेषता और है, ये दोनों अपराध केवल और केवल चल संपत्ति के प्रति होते हैं, अचल नहीं। ये इस बार एपीओ में आया कि आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध किस संपत्ति के प्रति अपराध है? अचल नहीं, किस संपत्ति? चल। और चोरी किसकी होती है? केवल चल की। अब देखिए एक उदाहरण इस पर भी, ताकि भाई मान लीजिए एक व्यक्ति आपका जाता है एक दर्शन करने, बहुत लोग जाते हैं भाई कहीं दर्शन करने गया, चप्पल गेट के बाहर खोला, तब तक एक आदमी चप्पल पर नज़र गड़ाए हुए था, और जैसे ही वह अंदर गया उसका चप्पल लेकर अफुचक्कर हो गया। तो आपका चप्पल हटाते समय एक का इरादा बेईमानी का था, तो ये कौन सा अपराध होगा? चोरी। लेकिन हल्का सा उदाहरण चेंज करिए इसमें। एक व्यक्ति मंदिर में दर्शन कर रहा था, तब तक अचानक फोन आ गया। अब कहाँ से आया हमारे बस की बात नहीं है बताना ये हमारी एरिया से क्या है भाई बाहर, अर्जेंट फोन आ गया। अब देखिए एविडेंस में इसको जोड़िए। मंदिर से वह व्यक्ति फरार हो गया था, तो सेक्शन 8 एविडेंस, उसका कौन सा आचरण? पश्चातवर्ती। फोन अर्जेंट फोन आ गया इसलिए मैं फरार हुआ, तो सेक्शन कौन? 9। दिखा सकते हैं कि हमारा क्या आ गया था? अर्जेंट फोन आ गया था। और तीसरा आपका 14 में देखिए, अर्जेंट फोन आया और वह आपका बाहर निकला और चप्पल देखा नहीं कि किसका पहन रहा हूँ, एक चप्पल पहना और तुरंत वहाँ से घर भागा, और घर जाकर 2 घंटे बाद देखा ये तो मैं दूसरे का चप्पल पहनकर आ गया हूँ, तब उसके मन में बेईमानी आई कि हमारा चप्पल चलो टूटा था और ये क्या है नया, रख लेते हैं। तो अब यही पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। जब चप्पल वह उठा रहा था उस समय उसके मन में बेईमानी याद नहीं थी, तो चोरी तो नहीं होगी। लेकिन कब बेईमानी आई? बाद में। तो कौन सा अपराध होगा? आपराधिक दुर्विनियोग। 403 कौन सी आईपीसी की धारा? 403। अगला देखिए भाई, अब आइए मन की दशा के दायरे को सीमित किया जाए। देखिए आपका एक्सप्लेनेशन आना बहुत कठिन है भाई, दोनों धाराएं सब मैंने कठिन है, प्रावधान है 14-15। जो धारा 14 का स्पष्टीकरण 1 है वह मन की दशा के क्षेत्र को सीमित करता है, और ये बताता है कि जो मन की दशा होनी चाहिए वो सामान्यतः या साधारण नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रश्नगत विषय के संबंध में स्पेसिफिक होनी चाहिए या
विशिष्ट होनी चाहिए। फिर एक बार याद रखिए, सेक्शन 14 में क्या सभी मन की दशाएं सुसंगत हैं? नहीं। तो कौन मन की दशा सुसंगत नहीं है, जो जनरल सामान्य या साधारण है, और कौन मन की दशा सुसंगत हैं जो विशिष्ट हैं। अब कल इसीलिए आपको बताया गया था कि किस मन की दशा को साधारण कहेंगे और किसको स्पेसिफिक या विशिष्ट कहेंगे, ये मैं आपको 3 उदाहरणों से बताया था, और फिर आज आपका एक उदाहरण उसमें से मैं बता रहा हूँ। आपका उदाहरण जो मैं बता रहा हूँ, आपका कुत्ते का ही उदाहरण बताया जाए सही रहेगा भाई। उदाहरण 3 मैं बताया था, एक वाहन वाला, एक गोली चलाने वाला, और एक कौन? कुत्ता। कुत्ता 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 बहुत प्रसिद्ध जानवर है भाई। देखिए आपका बता दिया जाए, 1-2 मिनट। कुत्ता पर आपका एक क्वेश्चन कुत्ते पर आता है, एक क्वेश्चन तैयार रखिएगा कुत्ते पर, आपका 2-3 मिनट कुत्ते पर बता कर तब फिर थोड़ा बैक हुआ जाए इस उदाहरण पर। मनुष्य का जो पहला पालतू जानवर था, ये पीसीएस में जीएस में आया है, कौन था? तो वह डॉग या कुत्ता ही था। आज भी मनुष्य का जो प्रिय पालतू जानवर है कौन है? कुत्ता। देख रहे हैं, भले भूख गरीब भूखों मर जाए, लेकिन कुत्ते को मांस और ब्रेड और दूध क्या चाहिए। और विदेश से लोग कुत्ता मंगाते हैं भाई पालने के लिए। और आपका कुत्ता कुत्ता देखते भी हैं, 16 फिल्म में भी कहा गया है, अब उसको बताना संभव नहीं है। फिर आपका एपीओ में आया था भाई पिछली बार, कि ढो पुलिस एक्ट के आ चुका है क्वेश्चन, कि पुलिस एक्ट के तहत ढोर या मवेशी या एनिमल, ढोर कहा जाता है, में कौन जानवर शामिल नहीं है? तो कुत्ता शामिल। और उत्तराखंड के लिए भी याद रखिए, बताया था मैं कि जानवर या ढोर में उत्तराखंड में भी कुत्ता शामिल नहीं है। इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी जानवर कानून माने पुलिस एक्ट नहीं मानता। जानवर हैं ये ना कहेगा कि नहीं है, लेकिन कौन कानून नहीं मानता? पुलिस एक्ट आईपीसी मानती हैं, सीआरपीसी मानती हैं, आईपीसी में आइए। कुत्ता खड़ा है और ये सब क्वेश्चन बनता है खूब। आपका कुत्ते की मुखबंदी खोलना प्रारंभ करता है तो कौन सा अपराध हुआ? हमला के आपराधिक बल, एसाल्ट हुआ कि क्रिमिनल फोर्स हुआ? एक पॉइंट तैयार रखिएगा भाई नए लोग भी। अगर देह की मुखबंदी खोलता है तो एसाल्ट मार कर आइएगा, बहुत गलती करते हैं लोग, हमला। और अगर देह की झपटाता है, जैसे शब्द क्या है, झपटाना, तो आपराधिक बल मार कर आइए। फिर मैं बता रहा हूँ, बहुत गलती होती है, और आधा लोग अभी भी कंपटीशन में जाकर ये क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए तीसरी बार बताया जा रहा है कि अगर आपका कुत्ते पर क्वेश्चन मुखबंदी खोलना, यानी कि उसका मुख में लगा हुआ जो बांधा जाता है मुँह पट्टा खोलने आए, तो एसाल्ट या हमले का अपराध करा दीजिएगा। और झपटाता है कुत्ते को तो कौन सा अपराध आपका, कौन सा अपराध कराएंगे? आपराधिक बल। अब आइए, कुत्ते का पैर हाथ तोड़ दीजिए तो ये रिष्टी हो गई, मिस्चीफ, रिष्टि। कुत्ते का हाथ पैर तोड़कर मार कर कुत्ते को मार कर खा लीजिए तब भी रिष्टि, हाथ पैर तोड़ दीजिए तब भी रिष्टि। अब कुत्ते पर 4-5 अपराध और देखिए, चोरी भी कुत्ते की होगी, आपका लूट भी होगी कुत्ते की, डकैती भी होगी, आपराधिक न्यास भंग भी हो सकता है, आपराधिक दुर्विनियोग भी हो सकता है, चीटिंग भी हो सकती है, यानी कि धोखा भी हो सकता है आपका। और ये तो भाई उतना बताना संभव नहीं है, सब अपराध ही हैं। एक आपका एविडेंस में जरूर याद रखिए, यूपी में पूछा गया है, कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य एविडेंस के किस सेक्शन में रेलेवेंट होगा? तो 9, कौन सा सेक्शन? 9। फिर यूपी ने पूछा केस बताइए, तो अब्दुल रज्जाक, कौन सा केस? अब्दुल रज्जाक। और फिर आपका मैं बता दूं, पूछा यूपीएपीओ में कि कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य कैसा साक्ष्य होता है, वैज्ञानिक, साइंटिफिक
यानी कि वैज्ञानिक साक्ष्य। तीन क्वेश्चन तो यूपी बना चुका है। तो आइए हम देख रहे थे एक्सप्लेनेशन नंबर वन, फिर एक बार बैक होइए। धारा 14 का स्पष्टीकरण वन, स्टेट ऑफ माइंड मन की दशा के क्षेत्र को क्या करता है? सीमित। और ये बताता है कि जो मन की दशा जनरल नहीं होनी चाहिए बल्कि कैसी होनी चाहिए? विशेष। अब कुत्ता पर उदाहरण दिया जाए, एक के पास 50 कुत्ते हैं और 50 कुत्ते लोगों को क्या करते रहते हैं। ये एक के मन की जो दशा है सामान्य है, साधारण है, और इसको साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया में बना कि यह साक्ष्य की ए सभी कुत्तों के प्रति उपेक्षावान था, सुसंगत है, सुसंगत नहीं है। दो आपका दिया रहेगा तो क्या मार कर आएंगे? सुसंगत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मन की कैसी दशा है? एक ही सामान। लेकिन कुत्ता नंबर वन, यानी कि 50 में से एक छांट लीजिए, कुत्ता नंबर वन बी को काटा और बी ने किससे शिकायत की? ए से। फिर खुद यही कुत्ता किसको काटा? सी को। और सी ने किससे शिकायत की? ए से। फिर यही कुत्ता किसको काटा था? डी ने। अब डी ए के खिलाफ मुकदमा किया है कि हजूर न्यायालय हमें ए से पैसा दिलवाए, नुकसानी दिलवाए। क्यों दिलवाए? क्योंकि ए ने कुत्ते के प्रति नेग्लिजेंस बरता है, उपेक्षा बरती है। यह जानते हुए कि यह कुत्ता कई लोगों को काट चुका है फिर भी अच्छे से रख नहीं रहा है। तो बताइए आप लोग, अब ये जो बी को काटा सी को काटा, ये मन की विशिष्ट दशा होगी कि सामान्य? विशिष्ट, क्योंकि उसी पर्टिकुलर कुत्ते के बारे में कहा जा रहा है, सभी कुत्तों के बारे में नहीं। तो ये मन की कैसी दशा हो गई? विशिष्ट। और ये सेक्शन 14 में क्या होगी? रेलेवेंट। इसके बाद आपका मन की दशा के बारे में, पहले अभी मन की दशा चल रही है, शरीर की दशा नहीं, अभी शरीर की दशा आज हो भी नहीं पाएगी। और शरीर की दशा मैंने बहुत दुबला था, दुबला का मतलब कि मान लीजिए एक बहुत मोटा आदमी है और मोटा आदमी ने आरोप लगाया था कि ए हमें मार कर धराशायी कर दिया था। तो ए कह सकता है कि हजूर मैं तो आपका इतना दुबला पतला हूँ, इतना मरियठ हूँ कि क्या मैं ये खाली जैसे आदमी को गिरा पाऊँगा, ये छूंगा तो हिलेगा भी नहीं, अतः हमारे पर जो आरोप लगा है वह क्या है? गलत है। इसीलिए जेजे एक्ट में भी जाएगा ये मामला, बताया जाएगा कि हजूर हम तो 18 वर्ष से कम के थे जिस दिन अपराध किए, अतः हमें ज़्यादा दंड न दिया जाए। क्या दिया जाए? कम। तो आपका शरीर की दशा बताई जाएगी, ये नहीं कि दुबला होना, पतला होना, मोटा होना, ये सब बताया जाएगा। लेकिन पहले तो आपका कौन हम पढ़ रहे हैं? मन की दशा। स्पष्टीकरण दो देखिए, जहाँ तक स्पष्टीकरण दो की बात है, स्पष्टीकरण दो ये बताता है कि जो प्रायर कन्विक्ट होता है, पूर्व दोष सिद्धि होती है, वह मन की दशा के रूप में, बुरी दशा के रूप में रेलेवेंट होती है। तो पूर्व दोष सिद्धि होती क्या है? यानी कि ये दिखाया जाता है कि जो हजूर अभियुक्त न्यायालय में आया है, ये पहले भी किसी मामले में सजा पा चुका है, अतः इसकी मन की दशा क्या है? बुरी है, क्योंकि एक बार पहले भी क्या पा चुका है? सजा। तो बताइए धारा 14 के किस एक्सप्लेनेशन में, अभी बिहार में पूछा गया था, लोग मार कर आ गए थे, तीसरा बताइए। स्पष्टीकरण दो ही बताए जा रहे हैं तो तीसरा कहाँ से आ गया? मैंने दिमाग अपना एक दो लगा दिए। मन मैंने पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत है, देखिए क्या दिया था ऑप्शन धारा 14 के स्पष्टीकरण वन में, धारा 14 के स्पष्टीकरण दो में, धारा 14 के स्पष्टीकरण तीन में, इनमें से कोई नहीं।
एक दो बदमाश ऐसे थे जो बिहार में एक्सप्रेशन नंबर क्या मार कर आ गए, और पूछा गया तो कहे कि वहाँ तो सर क्या कहें, दिमाग ही दो तीन क्वेश्चन पर काम नहीं किया। तो जब दिमाग काम नहीं किया तो परीक्षा भी आपको क्या करेगी, बाहर बाहर भी हो गए। और 0.50 से किसी का रुक गया तो मैंने, वैसे मेरी ढाई चली वो अलग बात है, लेकिन कुछ मेहनत किए रहते तो GS और टेक्निकल क्वेश्चन कुछ कर सकते थे। तो इस प्रकार भाई आपका सूचना भी दे दिया जाए कि जुरिस्प्रूडेंस की क्लास आज भी अभी नहीं चलेगी, मैंने आपका कल से प्रयास करते हैं, क्योंकि इतना आपका गर्मी पड़ रही है, उमस है कि भाई तीन क्लास चलाने में ही हालत ख़राब हो जाने, आप देख भी रहे हैं। तो प्रयास हम करते हैं कि एक कूलर और लगवा दिया जाए और एक दो एग्जास्ट, ताकि क्लास थोड़ा और लंबे समय तक क्या हो आराम से घर बैठने में आसानी रहे। तो भाई जो स्टूडेंट्स की क्लास नहीं चलेगी, जो लाइव क्लास पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बताया जा रहा है। हाँ भाई, जो लोग नए हैं और पुराने हैं, शनिवार